और मालदीव ने अलग अलग दौर में अलग अलग रिश्तों का रंग देखा, लेकिन एक दूसरे के साथ मजबूती से डटे रहने का वादा दोनों ही मुल्कों ने एक दूसरे के साथ किया। और यही वजह है कि जब मालदीव में भारत के खिलाफ भी लगातार कैंपेन चलता रहा, इंडिया आउट कैंपेन चला, भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकलने को कहा गया, उसके बावजूद भारत ने बड़े भाई की भूमिका निभाई और अपने लहजे में हमेशा ही सौम्यता बरकरार रखी। मुझे समझ नहीं आ रही कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया क्या है। मालदीव्स की समझ नहीं आती। चार महीने पहले तक मालदीव्स इंडिया को ये कह रहा था कि आप अपनी आर्मी को मालदीव से निकाल लें, और आज मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर बैठकर इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। चार महीने पहले कह रहे थे कि इंडियन फौजी जो है निकल जाएं। मोहम्मद मुइज़ी है जिन्होंने इंडिया आउट का नारा लगा और कहा कि इंडिया जो है अपने ट्रूप्स मालदीव से निकाले, लेकिन आज उनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपके सामने रखेंगे कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंडिया को रखते हैं और इंडिया के साथ अपनी टाइज जो है रिपेयर करना चाहते हैं। ये वही मालदीव है जो कि चाइना के साथ कभी मिलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था। पाकिस्तानी लोगों में ये चीज़ बहुत कम है कि दूसरे को सराहें और उनकी जो उन्होंने कोशिशें की अपने मुल्क के लिए उसको एक्सेप्ट करें। पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को अपने कैपिटलिज्म में एक्सेप्ट नहीं किया है। जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है और जिस हिसाब से वो अपनी इकोनॉमी बेहतर कर रहा है, तो मालदीव ने ये समझा कि बेहतर यही होगा कि वो अब इंडिया के ब्लॉक में आए। वो चाइना, अगर चाइना के साथ आप मालदीव कोई चाइना के लिए वैल्यू नहीं रखता, इंडिया जिस तरीके से मालदीव को वैल्यू देगा, जिस तरीके से वो ट्रीट करता है चाइना, उस तरीके से कतई ही नहीं देगा। और देखिए ये भी चीज़ है ना कि आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये जो मालदीव्स हैं इनका एक ट्रेडिशनल टाइप इंडिया के साथ रहा। ये इंडियन लोग हैं जो तमिलनाडु इंडिया से जाकर के इधर उधर बचे। इवन मुजीज़ू का परिवार भी इंडियन है भाई। वो इंडिया के जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, MS इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। भारत और मालदीव ने मिलकर चीन के प्लान्स पर बम गिरा दिया। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मालदीव और भारत की नई दोस्ती ने चीन को दिया है झटका दोस्तों। चीन को जो मालदीव हम इंडिया को आंखें दिखाता था, आज वो घुटनों पर आ चुका है और उसको पता चल चुका है कि चीन मेरे लिए कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकता, भारत की ही दोस्ती अच्छी है। इसीलिए तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइन ने भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी किया है। ये दोस्ती चीन के लिए एक बड़ा झटका है जिसने मालदीव को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। मोइन ने अपने चुनावी अभियान में इंडिया आउट का नारा दिया था, लेकिन अब उन्हें समझ आया है कि मालदीव की भलाई भारत के साथ दोस्ती बनाए रखने में है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया क्या है। चार महीने पहले कह रहे थे कि इंडियन फौजी जो है निकल जाएं और आज आके इंडिया से डिफेंस एग्रीमेंट करके चले गए। आपको पता है इस डिफेंस एग्रीमेंट में क्या होने जा रहा है? छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ अभी तो मैं आपको। इंडिया जो है मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग बनाएगा माले के अंदर और वो सारी इंडिया सपोर्ट देगा। जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा जो है, जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा इंडिया देगा, इंडिया ही बिल्डिंग बना के देगा। इंडिया मालदीव्स की पुलिस सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। ये मतलब ये इस तरह शुरू होने लगी है बात। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे और जो बेस्ट नॉलेज है, प्रैक्टिसेस हैं, वो भी उनको देंगे। ये उन्होंने अब जो बात, ये मैं सिर्फ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात कर रहा हूं। अब आपको पता है एक चीज का कि मालदीव जो है उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जिसे ईईजी बोलते हैं, मतलब ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की जो बॉर्डर लाइन होती है जहां से उसका सी शोर से आगे तो 200 नॉटिकल माइल तक वो किसी मुल्क का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जहां पे वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, फिशिंग, ऑयल, वट एवर, जो भी बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल तक आए वो सारा कुछ उस मुल्क का होता है। अब मालदीव को ये एडवांटेज है कि उसका ईजी बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ दी आइलैंड्स, ठीक है जी। तो अब वहां पे डबल ईजी यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होने की वजह से उनके ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम चैलेंजेस भी उतने ज्यादा हैं। उनको फिशिंग के भी फायदे हैं, लेकिन उसकी वजह से ड्रग स्मगलिंग भी हो रही है, टेररिज्म भी बीच में आ गया। कभी सुना नहीं हमने वहाँ पे माले में इस तरह के वाकयात हों, ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया इसको लिंक कर देता है ताकि जितने भी कोई ऐसी इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके हवाले से कोई ना कोई चीज़ अगर है तो इंडिया उस पर वो
सपोर्ट करना चाहते हैं। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ी अपने वाइफ के साथ इंडिया के स्टेट विजिट पे हैं। ये वही मोहम्मद मुइज़ी है जिन्होंने इंडिया आउट का नारा लगा और कहा कि इंडिया जो है अपने ट्रूप्स मालदीव से निकाले, लेकिन आज उनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपके सामने रखेंगे कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंडिया को रखते हैं और इंडिया के साथ अपनी टाइज जो है रिपेयर करना चाहते हैं। ये वही मालदीव है जो कि चाइना के साथ कभी मिलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था और आज ये माफी मांगने की बात करें। मोहम्मद मुइज़ी की बात करें तो मोदी साहब ने इनका वेलकम नहीं किया। जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है और जिस हिसाब से वो अपनी इकोनॉमी बेहतर कर रहा है, तो मालदीव ने ये समझा कि बेहतर यही होगा कि वो अब इंडिया के ब्लॉक में आए, वो चाइना वाला ब्लॉक छोड़ दे, क्योंकि इंडिया आप इस टाइम सबसे ज़्यादा देखें मोबाइल और गाड़ियों और गाड़ी के पार्ट सबसे ज़्यादा इंडिया बना रहा है, और उसकी इकॉनमी पाकिस्तान या दूसरे ममालिक चाइना की नस्बत इस टाइम इंडिया दुनिया में तीसरा मुल्क है अमेरिका और जापान के बाद जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बना रहा है, और वो अपनी इकॉनमी इस तरह बेस्ट कर रहा है कि हर मुल्क की अब यही मजबूरी है वो इंडिया के ब्लॉक के साथ मिल जाए, इंडिया के साथ मिलकर अपने मुल्क को आगे ले जाए बेहतर बनाए। अब जो इंडिया से टूरिज्म जाता है वो या तो थाईलैंड वगैरह जाता है या मालदीव जाता है, मालदीव बंद हो गया वो थाईलैंड वगैरह जा रहे थे, अब जब वो दोबारा इधर आया वो इनके साथ बैठेगा और अपने मामला तय करेगा, माफी करेगा। माफी होती है, और जब एक इंसान दूसरे मुल्क में जा रहा है वो माफी मांगने जा रहा है, माफी मांग लेगा और जाकर दोबारा वो टूरिज्म चलाएगा और उसकी इकॉनमी भी बेहतर होगी। जब वहाँ पे टूरिज्म जाएगा वहाँ पे जाके वो शॉपिंग करेंगे, स्टे करेंगे, होटलिंग सबसे इकॉनमी बढ़ेगी। मालदीव और इंडिया के ताल्लुकात कुछ खराब हुए जिसकी वजह खुद मालदीव ही था, तो मालदीव काफी क्राइसिस के अंदर था, बहुत ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। उसने चाइना की तरफ अपना झुकाव नज़र आ रहा था कि भारत से वो निकल के चाइना की तरफ गया, लेकिन वहाँ उसको जो चीज़ कुछ ऐसी नज़र आई है कि वो उसने दोबारा से जो अब नज़र आ रहा है कि वो उसने सोचा कि मुझसे गलती हो गई। अगर चाइना के साथ आप मालदीव कोई चाइना के लिए वैल्यू नहीं रखता, इंडिया जिस तरीके से मालदीव को वैल्यू देगा, जिस तरीके से वो ट्रीट करता है चाइना, उस तरीके से कतई ही नहीं देगा। और देखिए ये भी चीज़ है ना कि आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये जो मालदीव्स हैं इनका एक ट्रेडिशनल टाइप इंडिया के साथ रहा, ये इंडियन लोग हैं जो तमिलनाडु इंडिया से जाकर के इधर उधर बच्चे, इवन मुजीज़ू का परिवार भी इंडियन है भाई, वो साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो एक कल्चरल टाई भी है हमारा उनके साथ। अब वो बात उनको भी समझ में आ रही होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि इफ़ यू विल पुट ऑल योर बास्केट इधर इन चाइना और तुर्की तो आपको बहुत नुकसान देगा, उनको ये बात समझ में आ गई। हालांकि जब वो प्रधानमंत्री बने या राष्ट्रपति बने तो पहली जो ट्रेडिशन उन्होंने तोड़ दिया, नॉर्मली पहले इंडिया आने का ट्रेडिशन था हर मालदीव के प्रेसिडेंट का, वो उन्होंने तोड़ा और वो पहले चाइना गए फिर तुर्की गए और ये सब गए, तो मुझे लगता है कि रियलाइजेशन यही है कि जो जिस टर्म पे इंडिया पैसे देता है चाइना नहीं देगा, चाइना खरीद लेगा आपको, चाइना लोन देगा, और उसके बाद चाइना की ये जो टेक ओवर की पॉलिसी है धीरे धीरे सब कुछ चाइना में बना लो, उनको समझ में आ गया। जो इंडिया में इस्लाम का स्टेटस है वो इस्लाम का स्टेटस चाइना में नहीं है। इंडिया में आपका वक्फ एक्ट है जो कि पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ अथॉरिटीज को यह पावर देता है कि वो किसी भी इंडियन लैंड को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दे। द सिमिलर थिंग आपको चाइना में नहीं दिखेगा किसी मुसलमान के पास वक्फ एक्ट जैसा लॉ, वो तो उनको अपने ठुड्डे पे रखते, वो तो कह रहे हैं ये तो मेंटल डिजीज है, वो दाढ़ी कटवा रहे हैं, डांस करवा रहे हैं, उसके बाद अरबी लैंग्वेज लिख देते हैं फर्शों पे और कहते हैं इस पे बैठ के खाना खाओ। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुल्लाओं को मस्जिद से बाहर निकाल के डांस करवा दिया था, तो अगर वो इस तरीके का रिलेशनशिप चाहते हैं इंडिया के जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। पाकिस्तानी लोगों में ये चीज़ बहुत कम है कि दूसरे को सराहें और उनकी जो उन्होंने कोशिश की अपने मुल्क के लिए उसको एक्सेप्ट करें। पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को अपने कैपिटलिज्म में एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हम तो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा। इंडिया को पाकिस्तान को क्यों एक्सेप्ट करेगा, हम तो बेकारी हैं, वो पाकिस्तान की तरह ही अपने आप को बेकारी तो नहीं बनेगा ना। आप इंडिया से भी एड मांगे ना, आप इंडिया से मांगे कि दे दाता सानू कोई दे जा खुदा दा वास्ते, सानू को लैंड कुछ ना, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है देने के लिए, ना हमारे पास इज्जत है, ना हमारे पास दौलत है, ना वकार है, ना हमारे पास पैसा है, तो इंडिया को हम क्या देंगे। ये चीज़ होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहे हैं, एक साल गुजरेगा बांग्लादेश भी इंडिया से माफ़ी मांगेगा, दोबारा से वो उसने इंडिया से ही रुजू करना है। ये सूरत हाल श्रीलंका की थी, श्रीलंका ने जब IMF के साथ डिफरेंट डील्स की, चाइना के साथ की, लेकिन वो कर्जे में डूबता चला गया, उसके बाद उन्होंने इंडिया से बात की तो इंडिया ने उनको कर्जा भी दिया। यही सूरत हाल मालदीव मालदीव
मुझे समझ नहीं आती, चार महीने पहले तक मालदीव इंडिया को ये कह रहा था कि आप अपनी आर्मी को मालदीव से निकालें, और आज मालदीव के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर बैठकर इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इंडिया का जो UPI सिस्टम है वो मालदीव के अंदर अडॉप्ट किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने एक बार फिर से मालदीव की माली इमदाद कर दी है। इंडिया ने मालदीव को $400 मिलियन दिए हैं जो कि मालदीव इंडिया को इंडियन करेंसी में रिटर्न करेगा। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पे यह खबर भी चल रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मालदीव के प्रेसिडेंट मोइजू को जप्फी नहीं डाली, उनको हग नहीं किया। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम भारत और मालदीव के बीच $40 करोड़ की करेंसी का सतह पर समझौता हुआ है, और मालदीव को $100 मिलियन ट्रेजरी बिल रोल ओवर देने पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोई ने मालदीव में रुपए कार्ड भी लॉन्च किया है। तो भारतीय दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा को सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। ये दोस्ती चीन के लिए एक बड़ा सबक है। अब चीन को दोस्तों पाकिस्तान से भी मार पड़ रही है। चीन पाकिस्तान में उनके जो नागरिक थे पाकिस्तान में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, चाइनीज ने दो चाइनीज को मार दिया है, और पाकिस्तान पर चीन बुखलाया फिरता है। और जब मालदीव का इतना अच्छा वक्त शुरू हो गया है तो पाकिस्तान को भी जलन होगी, बांग्लादेश ले रहा है, बांग्लादेश की ठिकाने अकल आ जाएगी। लेकिन चलते हैं भारत जो मालदीव की दोस्ती हुई है और पाकिस्तान की मीडिया का क्या कहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे। लव।